आज का यह एपिसोड रोहित बुमला की शहादत की पूर्व संध्या पर रोहित बुमला को समर्पित है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में लिए चलता हूँ। 2016 का वर्ष था और मैं पटना से लौटा था और जो खबर हमें मिली कि रोहित बुमला ने सुसाइड कर लिया, कथित सुसाइड, तो शॉक था। और उसके बाद लगातार आंदोलन में रहा। सुबह क्लास लेना, दोपहर में डिफरेंट जगह पे जाना, बोलना, सेंसिटाइज करना लोगों को, तमाम ये काम चलता रहा। और उस दरमियान आप सोच सकते हैं रोज आकर सोशल मीडिया पे लिखना भी। तो उस समय जितने हमने लेख लिखे सोशल मीडिया के ऊपर, वह सब एक किताब का शक्ल हमने दिया। वह ये किताब है और कितने रोहित। इसमें दो तरह के लेख हैं, एक एकेडमिक लेख भी हैं और कुछ एवरीडे जो आंदोलन मूवमेंट होता है। चूँकि विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ तो छात्र जीवन से लेकर अब तक किस किस तरह के दमन और शोषण होते हैं और भेदभाव होते हैं उसका मुझे अनुभव है। तो सारा मैंने लिपिबद्ध किया है और इस किताब पे रोहित बुमला की माँ राधिका बुमला के भी हस्ताक्षर है और कई और गणमान्य लोगों के हस्ताक्षर है। उन्होंने लखनऊ में इसका उद्घाटन किया था, इस किताब का। खैर, किताब पे बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन आज मैं कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। और सबसे पहले तीन पॉइंट पे बात रखूँगा। एक तो इस किताब में एक कविता डॉक्टर सुनील कुमार सुमन, जो कि वर्धा विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं और अभी कलकत्ता में पोस्टेड हैं, उन्होंने लिखा था, वो कविता मैं पढ़ूंगा। और उसके बाद 18 दिसंबर 2015 को रोहित बुमला ने वाइस चांसलर के नाम एक खत लिखा था, उस खत की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखूंगा। और सुसाइड से पहले जो चिट्ठी रोहित बुमला ने लिखा था उस चिट्ठी को आपके सामने रखूंगा। और इस संस्मरण को बार बार याद करते रहना जरूरी है। अभी आपने देखा होगा कि दिलीप मंडल साहब ने फेसबुक लाइव किया था यूपीएससी में घोटाले को लेकर, तो ये घोटाला जारी है, बदस्तूर जारी है, हर जगह जारी है और दमन भी जारी है। तो आता हूँ पहले मैं सुनील कुमार सुमन ने जो कविता लिखा था जिससे इस किताब की शुरुआत होती है, मैं वो कविता आपको पेश करता हूँ। तुम्हें मरना नहीं था मेरे प्यारे भाई, तुम्हें जीना था, लड़ना था। बाबा साहब भी तो लड़े थे, कबीर, बिरसा मुंडा, भगत सिंह, किसी ने कभी हार नहीं मानी, सब लड़ते रहे। हमें लड़ना होगा दोस्त, लगातार लड़ना होगा। अभी मनु और द्रोणाचार्य के लोग जिंदा है, जिंदा बचे हुए हैं। जब तक जातिवाद है हमें लड़ना है। जीवन बहुत कीमती है मेरे दुलारे भाई, भविष्य हमारा है, हमें उनको संवारना है। जबकि हम क्या करें, हम क्यों हारें, जबकि संविधान हमारे साथ है, यही हमारी ताकत है। इस ताकत को पहचानो मेरे दोस्त, डॉक्टर सुनील कुमार सुमन। और इस किताब में अगर आप देखेंगे तो मैंने कई सारे मुकदमे मेरे ऊपर हुए फर्जी, मैं कितना लड़ा हूँ, हर समय लड़ाई संघर्ष जारी रहता है, कोई मेरे व्यक्तिगत जमीन के लिए नहीं। क्योंकि सामाजिक मुद्दों पर मैं बोलता हूँ इसलिए सिस्टम मुझे तरह तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश करता है, उसका जिक्र भी मैंने इस किताब में किया है कई लेख के शक्ल में। अब आइए हम लिए चलते हैं कि जब 18 दिसंबर को चिट्ठी जब उन्होंने लिखा था वाइस चांसलर को रोहित बुमला ने, उस चिट्ठी के कुछ अंश आपको मैं पढ़ देता हूँ। वाइस चांसलर को लिखा गया है 18-12-15 को, उन्होंने लिखा, प्लीज सर्व 10 mg सोडियम अजाइड टू ऑल दलित स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन विथ डायरेक्शन टू यूज व्हेन दे फील लाइक रीडिंग अंबेडकर। सेकेंड, सप्लाई ए नाइस रूप टू दिस to the rooms of all Dalit students from your companion, the great chief warden, as we, the scholars, PhD students, have already passed that stage and
ऑलरेडी मेंबर्स ऑफ दलित सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट अनफॉर्चुनेटली वी आर लेफ्ट विथ नो इजी एग्जिट इट सीम्स हेंस आई रिक्वेस्ट योर हाइनेस टू मेक प्रिपरेशन फॉर द फैसिलिटी यूथांसिया फॉर द स्टूडेंट्स लाइक मी एंड आई विश यू एंड द कैंपस रेस्ट इन पीस फॉर एवर थैंकिंग यू और सिंसियरली बेमुला आर चक्रवर्ती। ये चिट्ठी थी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कि जो चिट्ठी उन्होंने सुसाइड कथित सुसाइड के समय जो लिखा था उस चिट्ठी को जानना जरूरी है। एंड वो नाम जो लिखा हुआ माई बर्थ इज़ माई फटल एक्सीडेंट, इसका हिंदी तर्जुमा हिंदी अनुवाद मैं आपके सामने रखता हूँ। आप सब जानते हैं कि उस समय हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में कई दलित छात्र को निकाल दिया गया था और उसके खिलाफ आंदोलन हो रहे थे और तमाम ये सब हो रहे थे। तो ये पत्र रोहित मुमला ने छोड़ा है अपने सुसाइड से पहले और वही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि जब ये पत्र पढ़ रहे होंगे, जब आप ये पत्र पढ़ रहे होंगे, तब मैं नहीं होऊंगा। मुझ पर नाराज मत होना। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों को मेरी परवाह थी। आप लोग मुझसे प्यार करते थे और आपने मेरा बहुत ख्याल भी रखा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे हमेशा खुद से ही समस्या रही। मैं अपनी आत्मा और अपने शरीर के बीच की खाई को बढ़ता हुआ महसूस कर रहा हूं। मैं एक दानव बन गया। मैं हमेशा एक लेखक बनना चाहता था, विज्ञान पर लिखने वाला, कार्ल सगान की तरह। लेकिन अंत में मैं ये सिर्फ पत्र लिख रहा हूं। मुझे विज्ञान से प्यार था, सितारों से, प्रकृति से, लेकिन मैंने लोगों से प्यार किया और यह नहीं जान पाया कि वो कब के प्रकृति को तालाक दे चुके हैं। हमारी भावनाएं दोयम दर्जे की हो गई हैं। हमारा प्रेम बनावटी है। हमारी मान्यताएं झूठी हैं। हमारी मौलिकता वैध है बस कृत्रिम कला के जरिए। यह बेहद कठिन हो गया है कि हम प्रेम करें और दुखी ना। यह एक दार्शनिक पत्र है और यकीन मानिए एम्स में भी एक सर्वे हुआ था और थोरट साहब ने किया था और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में खुद पढ़ाता हूँ 23 वर्ष से। मैं देखता हूँ हमारे छात्र, हमारे लोग किस किस तरह से दमन के प्रोटेस्ट के तरीके तलाशे जाते हैं। लेकिन मैं आज अपील भी कर रहा हूँ कि किसी भी स्थिति में हिम्मत हारना नहीं है। कोई आए चाहे नहीं आए, लगातार दर्जनों मुकदमे मेरे जैसे लोग लड़ते रहते हैं और कभी हारा नहीं। तो ये हिम्मत बनाए रखिए, इसलिए पत्र पढ़ रहा हूँ। हमारे कई नौजवान साथी सुन रहे होंगे, तो हौसला बनाए रखना है, हिम्मत हारना नहीं है। व्यवस्था ऑपरेसिव है, वो आपका दमन करेगी, लेकिन दमन का जवाब भी है। डॉक्टर अम्बेडकर को सोचिए, मैं जो अम्बेडकर नामा चला रहा हूँ, कितने तरह के कष्ट उन्होंने झेले होंगे, लेकिन लगातार वो लिखते रहे, बोलते रहे, संघर्ष करते रहे। बहरहाल आगे चलता हूं। एक आदमी की कीमत उसकी तात्कालिक पहचान और नजदीकी संभावना तक सीमित कर दी गई है, एक वोट तक। आदमी एक आंकड़ा बनकर रह गया है, एक वस्तु मात्र। कभी भी एक आदमी को उसके दिमाग से नहीं आंका गया। एक ऐसी चीज जो स्टारडस्ट से बनी थी, हर क्षेत्र में, अध्ययन में, गलियों में, राजनीति में, मरने में और जीने में। मैं पहली बार इस तरह का पत्र लिख रहा हूं, पहली बार मैं आखिरी पत्र लिख रहा हूं। मुझे माफ करना अगर इसका कोई मतलब ना निकले तो। हो सकता है मैं गलत हूं अब तक की दुनिया को समझ नहीं, प्रेम, दर्द, जीवन और मृत्यु को समझने में।
ऐसी कोई हड़बड़ी भी नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा जल्दी में था, बेचैन था एक जीवन शुरू करने के लिए। इस पूरे समय में मेरे जैसे लोगों के लिए जीवन अभिशाप ही रहा। मेरा जन्म एक भयंकर दुर्घटना थी। My birth is fatal accident. मैं अपने बचपन के अकेलेपन से कभी उबर नहीं पाया। बचपन में मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। इस क्षण मैं आहत नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं बस खाली हूं। मुझे अपनी भी चिंता नहीं है। यह दयनीय है और यही कारण है कि मैं ऐसा कर रहा हूं। लोग मुझे कायर करार देंगे, स्वार्थी भी, मूर्ख भी। जब मैं चला जाऊंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं मरने के बाद की कहानियों, भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। अगर किसी चीज पर मेरा यकीन है तो वो यह कि मैं सितारों तक यात्रा कर पाऊंगा और जान पाऊंगा कि दूसरी दुनिया कैसी है। आप जो मेरा पत्र पढ़ रहे हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे अपने 7 महीने के फेलोशिप मिलनी बाकी है, 1,75,000 रुपये। कृपया यह सुनिश्चित कर दें कि वे पैसा मेरे परिवार को मिल जाए। मुझे रामजी को 40,000 रुपये देने थे, उन्होंने कभी पैसे वापस नहीं मांगे, लेकिन प्लीज फेलोशिप के पैसे से राम जी को पैसे दे दें। मैं चाहूंगा कि मेरी शव यात्रा शांति से और चुपचाप हो, लोग ऐसा व्यवहार करें कि मैं आया था और चला गया, मेरे लिए आंसू ना बहाया जाए। आप जान जाएं कि मैं मरकर खुश हूं जीने से अधिक। छाया से सितारों तक। उमा अन्ना, ये काम आपके कमरे में करने के लिए माफी चाहता हूं। उमा और अन्ना के कमरे में उन्होंने साइड किया। उमा अन्ना, ये काम मैं आपके कमरे में करने के लिए माफी चाहता हूं। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन परिवार, आप सबको निराश करने के लिए माफी। आप सबने मुझे बहुत प्यार किया। सबको भविष्य की शुभकामनाएं। आखिरी बार जय भीम। आगे मैं औपचारिकताएं लिखना भूल गया। खुद को मारने के मेरे इस कृत्य के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए भड़काया नहीं, न तो अपने कृत्य से और न ही अपने शब्दों से। ये मेरा फैसला है और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। मेरे जाने के बाद मेरे दोस्तों और दुश्मनों को परेशान न किया जाए। ये एक दार्शनिक की चिट्ठी है, एक छात्र की चिट्ठी नहीं है। साथियों, ये चिट्ठी मैं इसलिए पढ़ रहा हूं आज कि मैं जानता हूं कि भारत में कैसे ऑपरेसिव सिस्टम है और किस तरीके से, खासतौर से वैसे लोग जो तेज तर्रार होते हैं, जो सवाल उठाते हैं, बोलते हैं। मैं तो खुद सब्जेक्ट हूँ और लगातार लड़ना पड़ता है। नौकरी कर लेना, नामांकन ले लेना किसी भी SC ST OBC समुदाय के बच्चों के लिए आसान होता है, लेकिन सम्मान के साथ डिग्री लेना और सम्मान के साथ नौकरी करना, सीना चौड़ा करके, रीढ़ सीधा रख के, ये बहुत मुश्किल है भारत में और इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हम लोग भी चुका रहे हैं, लेकिन आप सबसे अपील है कि कितनी भी समस्या क्यों ना हो, ट्राई टू रेसिस्ट इट, संघर्ष करने पर रिबटल करने की आदत डालिए, जवाब देने की आदत डालिए और किसी तरीके से इस तरह की घटना में न शामिल होइए। ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। शुक्रिया साथियों। जय भीम अंबेडकर नामा जारी है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लाल की क्लास अंबेडकर नामा को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा देखिए। उसमें प्राइमरी सोर्स का रीडिंग है। आपको कोई नेता और अभिनेता, जितने साहब लोग के पीछे भागते रहे, कोई पढ़ के नहीं बताएगा और आपसे कुछ मांगा भी नहीं जा रहा है।
बिना संसाधन के मोबाइल फोन से बन रहा है अम्बेडकर नामा, पढ़िए ऑथेंटिक सूचना मिलेगी। इलेक्शन आप सिर्फ वोट तक, जो रोहित मुमला ने लिखा है कि आप वोट तक सीमित कर दिए गए हैं, पूरा मैकेनिकल हो गए हैं। वोट से बाहर निकलिए, इंसान बनिए, सोचने समझने की आदत डालिए, और जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बार बार कहा है, भक्त नहीं बनिए, है ना, सवाल उठाने की आदत। शुक्रिया साथियों, जय भीम, आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।